बीएड में कैसे आना हुआ? गलती से गलती से मैम आप इतने क्यूट क्यों हो? मैम आप इतने क्यूट कैसे हो? थैंक्स टू माय मदर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। As usual, I am going to college and वहाँ पर जाकर हम रिकॉर्ड करेंगे कुछ मेमोरेबल इवेंट्स। सो बने रहो मेरे ब्लॉग के साथ। ये देखो दोस्तों, कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं हमारी पर्वत। गाइज हम फंस चुके हैं ट्रैफिक में, रोड क्रॉस करने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो कैसे टाइम से कॉलेज पहुँचेंगे? सो गाइस अभी है मेरी प्रेजेंटेशन, तो तैयारी तो है, लेकिन तैयारी भी नहीं है और डर भी लग रहा है। सो देखते हैं कैसा होता है। थोड़ा सा क्लिप में डालूंगा कि किस प्रकार से भी अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। सो हमने पढ़ा कि जो सोशल साइंसेस है वो इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी चीज है, सब्जेक्ट है, उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं, उसका संबंध दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी है। हम किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी विषय की बाउंड्रीज को ऐसे कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं कर सकते हैं कि तपेंद्र भाई यहाँ तक ही एक्सरसाइज करेंगे। सो गाइस अभी मिले हमें धीरज भाई एंड और सनी भाई, कांगड़ा से ही संबंध रखते हैं और बीएड कर रहे हैं। सर बीएड करने के बारे में आपने कैसे सोचा, मतलब टीचर बनने का शौक है? हाँ जी सर, वैसे तो मैं मतलब घर में ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ, मैं घर में तो मतलब 2-3 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। और पढ़ाते पढ़ाते आपका शौक डेवलप हो गया कि मैंने टीचिंग करनी है? शौक तो हाँ जी फिर हो ही गया डेवलप, फिर साथ में और भी तैयारी कर रहे थे तो सोचा साथ में बीएड भी कर लेते हैं। और सनी सर आप टीचर बाय चॉइस बनना चाहते हैं या बाय चांस? बाय चांस है आपका? ये ऑलरेडी लगभग सिलेक्टेड हो चुके हैं सीपीयू। सीपीयू में सिलेक्टेड हैं आप? हाँ, फाइनल कट ऑफ है। ओके, तो कांग्रेचुलेशन सर कि आपको जॉब मिला है। देखो दोस्तों कितने मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं हमारे यहाँ। धीरज भाई अभी पढ़ रहे हैं और सनी भाई का सीपीयू में सिलेक्शन हो गया ऑलमोस्ट, सो कांग्रेचुलेशन। हेलो मैम, कैसे मैम? सुंदर हो ना, ये तो सबको पता है सुंदर हो। बी एड में कैसे आना हुआ? गलती से बाय चांस आप टीचर बन रहे हो? पता नहीं बन ही रही हूं, पर नहीं हूं अभी। बनना चाहती हो? नहीं। क्यों? हाँ अगर कैंपस में हूँ अभी तो हाँ। जैसे मान लो कैंपस से बाहर निकल के? नहीं। तो आप यहाँ पे क्यों हो फिर? क्योंकि मैं पास हो गई। क्योंकि मैं पास हो गई। 3000 रुपये ये होता है ट्रू रिप्लाई। सीरियसली मैं इसलिए पास हो गई, इसलिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आने का, मुझे पता नहीं था, मुझे बीएड के बारे में पता भी नहीं है, फुल फॉर्म भी नहीं पता मुझे, मैं आ गई पास हो गई। आ गई आप पता है मतलब गलती से हो गई पास? हाँ पास भी गलती से, तुक्के से हो गई। सीरियसली मुझे किसी पूछा पेपर दे दिया, हम लोग 2 दिन का सफर कराते थे पेपर देने, तो मुझे पूछा ना कि आप नहीं पूछा ना कि आप पढ़ा है आपने, नहीं तो मतलब फिर क्यों करो करने फालतू नहीं थी क्या पता तुक्का ही लग जाए। मुझे इतनी शर्म आई ना, उन्होंने आधे रास्ते से बोल दिया कि क्यों जा रही फिर पढ़ाई नहीं तो, और मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में वो एटीट्यूड दे। मुझे सीरियसली बोल रहे हैं। अभी तो एंजॉय कर रहे होंगे आप? अभी हाँ, यहाँ पढ़ना अपने दोस्तों के साथ एंजॉय। मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर को मिस कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में मुझे कोई इंजॉयमेंट नहीं है, हम लोगों ने अभी लेसन प्लान बनाया, प्लीज यार हो गया। आपका नाम बताइए मैम जल्दी। ये तो अब तो जान गई है, वॉइस भी लाइक ना 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 ये
अपना नाम बताओ ना मैम। बता दे मेरा नाम कोमल। कोमल मैम आपका नाम? तेंजिन यंग डोलमा। लगती नहीं है तेंजिन। जैसे ये कोमल नहीं लगती वैसे ये तेंजिन, वैसे मैं तेंजिन नहीं लगती। सो गाइस कैसा महसूस कर रहे हैं आप बीएड में? मैं पहले तो अच्छा करती थी पर जब से ये लेसन प्लान बनाने को बोला है वो भी हिंदी में तब से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इंग्लिश में बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। और आपकी हिंदी में जो लिखते हो आप तो पंजाबी स्टाइल आ जाता है ना कभी कभी। वही तो दिक्कत है यहाँ पे। वही तो दिक्कत है जिंदगी में। कृतिका मैम आप बताओ आप कैसा महसूस कर रहे हैं बीएड में? स्टार्टिंग तो अच्छी थी बट अभी थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है। अच्छा बैठी मैम अब बैठो। जैसे अभी एक दो कमेंट आए थे तो उन्होंने बोला कि भाई प्राइवेट में ज्यादा काम होता है बीएड में, या सरकारी में यहाँ पे मतलब बीएड कॉलेज धर्मशाला में काम होता है? कहाँ पे ज्यादा काम होता है आपको? आई थिंक बराबरी काम होता है। बट मैंने सुना है कि प्राइवेट जैसे कईयों ने करी है मेरे फ्रेंड्स ने तो वो बोलते हैं कि वहाँ ज्यादा काम होता है। बट ऐसा कुछ नहीं, जैसे द्रोणाचार्य में कहते हैं कि बड़ा ज्यादा। हाँ मैंने भी सुना है। हाँ मैंने सुना है। अरे वो तो टॉर्चर करने वाला सीन है ना, उतना टॉर्चर यहाँ नहीं करता। मैं भाग जाऊंगी। सो मैम आप बताइए मैम। मेरे को तो अच्छा ही लगा। अच्छा जैसे अब एक क्वेश्चन है आपसे मैम, आप इतने क्यूट क्यों हो? मैम आप इतने क्यूट कैसे हो? थैंक्स टू माय मदर। थैंक्स टू माय मदर। तूने देखा ना मेरी मम्मा को? यस। सेम है ना हम दोनों? हां बिल्कुल। सो फ्रेंड्स आप अगर बी एड कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको ऐसे क्यूट बच्चे भी मिलेंगे। फोटो खींचनी है हमारी। अगर बीएड के छात्र, अगर कृतिका मैम के बाल लंबे होते तो ऐसे नजर आते देखो, और ऐसी हरकतें करते आपको बीएड के छात्र नजर आएंगे। आप उधर खड़े हो जाइए, आप त्रिदेव हो जाओगे। हाँ और ये ऐसे ऐसे परे को कर दो गर्दन अपनी। हाँ हाँ बस खड़े अस। ये क्या हमारा वो? ये देखो गाइस त्रिदेविया यहाँ पर मीम नहीं बन रहा है आपका। राहुल सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। सो बीएड में कैसा फील कर रहे हैं सर? बस ये समझ लीजिए कि क्या ही हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब जो भी हो रहा है अच्छा है, बुरा तो कह नहीं सकते। हर चीज हर दिन नया एक्सपीरियंस। और मेरा क्वेश्चन रहता है हमेशा क्या कि आप टीचर बाय चॉइस या बाय चांस? आई बिलीव कि ये जो डिसीजन था ये लक बाय चांस का है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि एंट्रेंस भी क्लियर हो जाएगा मेरा। बट एनी हाउ हो गया और यहाँ पे पता नहीं फिर ज्वाइन कर लिया हमने। पर अब पछता रहे हैं क्यों कर लिया, क्योंकि जैसा एज पर कॉलेज जो रूटीन है उसके मतलब उसके अगेंस्ट में ये काफी अलग है। अच्छा जैसे मान लो ना आपको क्यों लगा, क्यों आप पछता रहे हैं अपने डिसीजन के लिए? आई बिलीव कि मैं टीचिंग लाइन के लिए अप्रोप्रिएट बंदा नहीं। अच्छा ऐसा लगता है आपको? हाँ और ऐसा भी है कि जैसे मतलब बोलते हैं जो कुछ नहीं करता वो बीएड में आ जाता है। जो कहीं करे वो बीएड कर। तो ऐसा सीन है मेरे साथ, तो ऐसा आई एम नॉट मेड फॉर टीचिंग आई बिलीव। पर मैंने बच्चे पढ़ाए हैं इन गवर्नमेंट स्कूल 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th एज अ वॉलंटियर मैंने पढ़ाया है। मतलब यहाँ पे जो टीचिंग प्रैक्टिसेस होती है उसमें आपको क्या लगता है टीचिंग किस प्रकार का प्रोफेशन है? टीचिंग एक बहुत ही अच्छा नोबल प्रोफेशन है, कि टीचर्स को माना जाता है कि वो आपके बिल्डर से आगे जो आने वाली जनरेशन के हैं, अगर वो अच्छे होंगे तो हमारी जनरेशन आगे अच्छी होगी, अगर नींव ही कच्ची होगी तो आपकी इमारत अच्छी नहीं बन पाएगी। आई बिलीव ऐसा ही है। सो गाइस आपने सुना होगा कॉफी विद करण, बट अभी हमारे साथ है राहुल, सो वी कैन से इट एज कॉफी विद राहुल। आई एम राहुल। एंड नाम तो सुना ही होगा। नाम तो सुना ही होगा। राहुल से संग चलूंगी रे, अब वो चलेगी कहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है। कौन है कैसे है मुझे नहीं आइडिया। ओके दोस्तों कॉलेज से रूम जाते हुए दिखे मुझे ये खेत और ये गेहूं के हरे भरे खेत, देखकर मुझे अपने गांव की याद आ गई। कैमरामैन खेतों की तरफ कैमरा लगाया जाए। ये देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत हैं और
गेहूँ कितनी अच्छी लगी हुई है। खेतों में मैंने भी कभी काम किया है, अभी तो जमाने हो गए घर से निकले हुए, लेकिन जब भगवान की इच्छा होगी हम घर में जाएंगे और काम करेंगे। अभी तो पढ़ाई ने मार रखा है सर, मजबूरी है घर से बाहर निकले। पापी पेट के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी पढ़ाई का कब फल निकलेगा, भावनात्मक हो गया हूँ दोस्त। दोस्तों से समाचार मिला कि दाढ़ी में धाम है, सो हमने सोचा क्यों ना धाम का आनंद उठाया जाए, और हम आ गए हैं दाढ़ी ग्राउंड में और यहाँ पर धाम का आनंद लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरा कॉलेज यहाँ पर है, ऊपर रवि भाई दिखाई दे रहे हैं और सूरज भी वहीं पे है। सारे यहाँ पर धाम खाने के लिए आ चुके हैं और साथ में मैं भी धाम खाने के लिए बैठ चुका हूँ। पकड़ा गया पूरा बीएड कॉलेज यहाँ धाम खाता हुआ। सो गाइस हम खा चुके हैं यहाँ पर धाम, अब जा रहे हैं रूम, और इसी के साथ आज की ब्लॉग को करते ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय। और ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड फैला दें।